एमएसपी पे कोई बातचीत सरकार से नहीं चल रही, ना देश में कोई एमएसपी पे कमेटी बनाई। देश के सामने सरकार ने झूठ बोला है, उन्हें गलत कहा है कि हम एमएसपी गारंटी कानून देश में लेकर आ रहे हैं, वो नहीं है। और जो एक कमेटी बनाई है, ये भी फसल कैसे पैदा होगी, इस एक कमेटी की चार कमेटी बना दी, एक पहाड़ की बना दी, वो पहाड़ पर देखेगी, वो अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। तो ये तो एक बहकाने का काम इन्होंने करा। एमएसपी गारंटी कानून पार्लियामेंट में बनेगा, जब वो कानून बन जाएगा उसको कैसे लागू करना है उस पर कमेटी बननी है, उसमें प्रावधान क्या होंगे, उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, ये बड़े व्यापारियों को फायदा कैसे मिलेगा, ये सरकार की पॉलिसी रहती है। अब सस्ते में भी अनाज खरीद रहे, अभी जैसे ही किसान की फसल अभी चावल बाजार माया धान जीरी, अभी बड़े व्यापारी हड़ताल कर रहे हैं कि अभी हम नहीं खरीदेंगे, हमारी सरकार से डिमांड है, क्योंकि किसान की फसल आगी वो बेचेगा, उनको पता है कि किसान बेचेगा तो सस्ता रेट में करके खरीद करते हैं। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि सरकार उन्हीं के साथ में मिली हुई है, और खास करके ये सरकार बड़े व्यापारियों की सरकार है, उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रही। एमएसपी गारंटी कानून जब देश में बन जाएगा तो कोई भी आदमी उसके नीचे पे खरीद नहीं करेगा, ये इस कानून में है, लेकिन वो नहीं हो रहा। रहे थे भी और अपने आप को हमेशा